वैसे आज मैं आपको ब्लास्ट वाला ही वायरल शॉर्ट्स को ऐड करना सिखाऊंगा, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आप तुरंत ही से कैसे शॉर्ट्स क्रिएट कर पाओगे, बट उससे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लो, देन एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। एडिटिंग नहीं कर पाओगे अगर आपने वीडियो को हल्का सा भी स्किप किया, तो स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं रिकॉर्ड हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला फ्री फायर के अंदर आ जाना, आपको एक क्राफ्टलैंड का कोड मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसे यहाँ पर आकर क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में सर्च करना, देन इस मैच को लगा लेना और अपने फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेना उसे, और फिर गेम को कर देना स्टार्ट। और बाय चांस आपका फ्रेंड आपकी टीम में आ जाता है तो आपको क्या करना, वापिस से बैक करना और आप दोबारा से सोलो स्टार्ट करना, और अपने फ्रेंड को भी कहना सोलो होकर स्टार्ट करने के लिए, दोनों एक साथ स्टार्ट करना, कॉल पर आ जाना, और स्टार्ट होने के बाद आपका फ्रेंड जस्ट आपके सामने आ जाएगा, मैच मेकिंग हो जाएगी। और फिर उसको पता करना, आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल का, उस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना 235 पासवर्ड डालते ही अनलॉक हो जाएगा। देन उसके बाद दोबारा से इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर काफी सारे लोकेशन आ जाएंगे, तो मैं पीक सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पीक पे वीडियो बनाना है। आप कहीं पर भी बना सकते हो, और इस तरीके से अपने फ्रेंड को भी इस तरीके से बुला लेना, या फिर आप डायरेक्ट रनिंग करके भी आ सकते हो, ये मेरे को आसान लगा इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर उसके बाद क्या करना, अपने जस्ट सामने पहाड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना और उससे कहना फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, बूट पैकर पे क्लिक करके यहाँ पर कोई सी भी गन एक ले ले, और गन से जैसे ही मैं आऊंगा फायर करने के लिए कह देना। आपको तो कोई सी गन लेनी नहीं है, आपको आइटम पे क्लिक करके दो ग्लोवल ले लेना। फिर क्या करना, यहाँ पर घास वाले में आ जाना और इस तरीके से रनिंग करते हुए जाना, जंप करते हुए, फिर आपका फ्रेंड को कहना फायर करने के लिए, फायर करेगा वो, और फिर तुरंत ही दो ग्लोवल डालना। फिर इस साइड होकर आपको इमोट मारना कुछ ये वाला, और इमोट मारने के बाद इस क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना। अब हम दूसरी क्लिप को रिकॉर्ड करेंगे, तो दोबारा से फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते ही आप ग्रीन स्क्रीन में आ जाओगे, और यहाँ पर आपको कुछ इस पोजीशन में खड़ा हो जाना है, और जो हमने इमोट मारा था ना पहले, वही इमोट यहाँ पर मारना है। और आपके पास बाय चांस ये वाला इमोट नहीं भी है ना, तो आप दूसरा कोई ऐसा इमोट मारना कि ये वाला तोप वाला क्लिप उसमें अच्छे तरीके से मैच हो पाए, अच्छे तरीके से हम एडिट कर पाए। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन पर आप अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके अपने रिकॉर्डर को ऑफ कर लेना, और फिर आ जाना कैपकट के अंदर। तो जो क्लिप हमने अभी रिकॉर्ड की उसे कैपकट में ऐड कर लेना, देन नीचे रिसीव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके 9.62 रेशियो सेलेक्ट करके राइट कर देना, फिर अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना, देन उसके बाद आगे आना जहां पर हम रनिंग करते हुए जाते हैं, फिर ग्लोबल डालते हैं, और ग्लोबल डालने के बाद जस्ट थोड़ा सा साइड होके हम इमोट मारते हैं ना, तो इमोट मारने के जस्ट पहले आपको वहां पर एक अलर्ट मारना है, और फिर यहीं का एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसे पूरे अच्छे तरीके से क्रॉप मत करना, थोड़ा बहुत क्रॉप करके सेव कर लेना इसे, और फिर आ जाना पिक्सल आर्ट में, और इसमें क्या करना, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर जितना भी ब्लैक पार्ट है उसे अच्छे तरीके से क्रॉप कर देना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और फिर उसको बात कर देना राइट। अब दोबारा से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एनहांस पे क्लिक करके इसकी क्वालिटी को इनहांस कर लेना, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट जब लिया था ना तो इसकी क्वालिटी गिर गई थी, तो इनहांस करने के बाद क्या करना राइट कर देना, फिर से सेव कर लेना, और फिर आ जाना प्रीटच एप्लीकेशन में, ओपन गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी हमने पिक्सल ऐप में एनहांस किया ना उसी इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना, देन नीचे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमारा कैरेक्टर है उसको आप कुछ इस तरीके से इरेज कर देना, और इरेज करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना, तो देन आपका ये सेव हो जाएगा, फिर वापस आ जाना कैपकट के अंदर। और जहां पर अपने अपनी क्लिप में कट मारा था ना उसके जस्ट आगे वाला पार्ट जितना भी उसे डिलीट कर देना, मैंने डिलीट कर दिया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं किया था वो, तो डिलीट कर देना, फिर प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो रिटच एप्लीकेशन में हमने कैरेक्टर को रिमूव किया उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, और फिर यहीं पर क्या करना ओवरले पर क्लिक करके ऐड ओवरले पर क्लिक करना, और आपको ग्रीन स्क्रीन जो हमने रिकॉर्ड किया था ना उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, देन नीचे स्क्रॉल करना, आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप करके राइट कर लेना है, और राइट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लूंगा मैं इसको। अब क्या करूंगा, जो भी एक्स्ट्रा बेकार पार्ट है ना उसे हमें कट मार के डिलीट करना है, तो जैसे ही इमोट वाला सर्कल आता है फिर उसके बाद जस्ट जैसे ही हटता है ना तो वहीं पर क्या करना है, आपको कट मारना है, पीछे वाली क्लिप को कर देना डिलीट। अब आगे आप देख लेना कोई भी बेकार पार्ट होगा तो उसे कट करके डिलीट कर देना, मेरे में कोई बेकार पार्ट है नहीं, तो क्या करूंगा इस क्लिप को स्लाइड करके जस्ट कटआउट के हल्का सा आगे लाके छोड़ दूंगा, जिससे कि हमें पता चले हमारा पीछे वाला कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा था, उस तरीके से हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। फिर अगर ना इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो नीचे स्क्रॉल करना, कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रोमा की मदद से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना, और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लेना जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और फिर थोड़ा आगे आके देख लेना जहाँ पर तोप चल रही है ना वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन तो नहीं आ रहा बिल्कुल, तो आ रहा है थोड़ा सा और, तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, देन नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और HSL वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रीन कलर पे क्लिक करके फर्स्ट वाले को यहाँ पर पीले के साइड ले जाऊंगा, फिर राइट कर दूंगा, तो देन ग्रीन कलर गायब हो जाएगा पूरा। अब मैं वापस से पीछे आ जाता हूँ, और जहाँ पर हमारा पीछे वाला कैरेक्टर क्लिप में खड़ा है ना
उसके हिसाब से अच्छे तरीके से उसी साइज में अच्छे तरीके से एडजस्ट करूंगा। तो अगर मैं नीचे बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो फर्स्ट क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा, और इसके सेकंड वाले से ऊपर नीचे होगा, और सेकंड वाले पे जाओगे तो इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। मैं फटाफट पहले साइज देख लेता हूँ, साइज को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, देन साइज इंक्रीज करने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट राइट करता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसे आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना बिल्कुल करेक्टर के साथ। और एकदम परफेक्टली एडजस्ट भी ना हो ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब प्ले होगा तो पता नहीं चलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के बाद जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रहा है तो ये भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तो थोड़ा स्लाइड करके मैं इसे थोड़ा पीछे कर दूंगा। और फिर करूँगा जैसे पीछे वाले क्लिप में हमारे कैरेक्टर का लुक है ना, जो कलर्स हैं उसके ब्राइटनेस है वो कम है लेकिन इसके ज़्यादा है, तो क्या करूँगा इसके नीचे स्क्रॉल करके एडजस्ट वाले ऑप्शन में आऊँगा और इसके ब्राइटनेस थोड़ा सा कंट्रास्ट और सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करूँगा, तो उसके बाद राइट कर दूंगा, थोड़ा मैच हो जाएगा ये। और पूरा अच्छे तरीके से मैच नहीं भी हो रहा ना तो जब फाइनल हम क्वालिटी इसकी दिखाऊंगा ना मैं आपको, तो पूरा मैच हो जाएगा, दिक्कत मत लेना, लास्ट में पूरा मैच हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आगे आता हूँ जहाँ से तोप स्टार्ट हो, तो मतलब गोली जैसे चलती है ना, तो मेरे ऊपर वाला पार्ट कम हो रखा है तो मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा फटाफट और ज्यादा। फिर वापस से पीछे आऊंगा, हमारे कैरेक्टर ने तोप का गोला चलाया, फिर उसके बाद जैसे खड़ा हो जाता है ना तो वहीं पर क्या करना है, वो कर्ट मार के एक्स्ट्रा पार्ट जो भी डिलीट कर देना, और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में भी कर्ट करके आगे वाला पार्ट डिलीट कर देना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है। और फिर वापस से पीछे आ जाना, हम तोप का गोला इसमें ऐड करने वाले हैं, तो जैसे तोप चलना स्टार्ट होता है ना इसमें से आग निकलती है, तो वहीं से करना आपको ऐड वाले पर क्लिक करके तोप वाला ग्रीन स्क्रीन प्रोवाइड करा दूंगा आपको मैं, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। देन इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करना, कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रोमा की मदद से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना, फिर इंटेंसिटी को आप पूरा इंक्रीज कर देना, पूरा नहीं थोड़ा सा आधा ही रखना, और फिर राइट कर देना। अब इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले करूंगा थोड़ा सा छोटा करके इसे साइड में करूंगा, जैसे पहले देखूंगा कि तोप गोला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे तोप यहाँ पे फायर होता है ना तो वहीं से क्लिप स्टार्ट होनी चाहिए, तो स्लाइड करके थोड़ा सा मैं आगे की ओर ले आता हूँ। देन अब हमें तोप के जस्ट से पीछे भेजना है, तो क्या करूँगा नीचे स्क्रॉल करूंगा, लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेयर्स आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है, देन जस्ट तोप के पीछे चला जाएगा ये। अब ये जो तोप वाला ग्रीन स्क्रीन है ना वो हमारा 0.4 सेकंड का ही होना चाहिए, तो क्या करूंगा जस्ट के आगे से एक करोट मारूंगा, और फिर जो भी पीछे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे पहले डिलीट करूंगा, और फिर देखूंगा कितने सेकंड का है, तो 0.9 सेकंड का है, तो मैं इसे कम करके फटाफट 0.4 सेकंड कर लूंगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट करूंगा, तो शुरुआत में की फ्रेम ही लगाना है, देन नीचे स्क्रॉल करके बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। बट उससे पहले क्या करूंगा मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, देखूंगा यहाँ पर मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा था कि तोप मेरा कहाँ पर है, तो आगे जाकर सबसे पहले इन दोनों की फ्रेमिंग को हटाऊंगा, और फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, अपने को लेफ्ट राइट करना है, जैसे तोप के पास तोप का जो गोला है ना उसके जस्ट आगे से हल्का सा पीछे लगाना है, फिर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, और फिर उसके बाद करूंगा इसे दिखना नहीं चाहिए, याद रखना तोप का गोला आपका शुरुआत में दिखना नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद करूंगा एक लास्ट में की फ्रेमिंग लगाऊंगा और एक जाकर शुरुआत में की फ्रेमिंग लगाऊंगा, और फिर करूंगा थोड़ा सा आगे जाऊंगा जस्ट के, और बीच में की फ्रेमिंग लगा कर आपको क्या करना है थोड़ा सा आगे की ओर करना है अपने इसको, और थोड़ा सा इसे जूम कर लेना है, मतलब बड़ा कर लेना है इस गोले का साइज, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके अच्छे तरीके से आगे की ओर थोड़ा ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या करूँगा लास्ट वाले की फ्रेमिंग पर आकर इसको और छोटा करके जहाँ पर आपका सामने पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ पर ले आकर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना, याद रखना छोटा करना मत भूलना, साइज थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना, ज्यादा कठिन नहीं है, आप करोगे तो तुरंत ही हो जाएगा। तो एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, तोप का गोला एकदम मस्त तरीके से परफेक्टली हो चुका है, आपको बेकार इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तोप का गोला जैसे टच हुआ वो वैसी ब्लास्ट नहीं हुआ इसलिए, तो फटाफट ब्लास्ट वाला इफेक्ट ऐड करते हैं। जैसे ग्रीन स्क्रीन एंड हो रहा है ना वहीं से एडो बल्ले पर क्लिक करके एक ग्रीन स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद नीचे कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रोमा की मदद से आप ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इंटेंसिटी को 81 के करीब रख लेना, देन नीचे स्क्रॉल करना, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एसएसएल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना, और फर्स्ट वाले को -100 करके राइट कर देना। और फिर हम क्या करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेयर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट सेलेक्ट करके राइट कर देना, तो जैसे पीछे चला जाएगा उसके, और फिर से थोड़ा बड़ा करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, या फिर मेरी तरह बेसिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना इसे बड़ा करके थोड़ा सा, और एडजस्ट करने के बाद जो भी लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना उसे कट करके डिलीट कर देना, देन वापस से पीछे आना नीचे स्क्रॉल करना, और फिर क्या करना मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, देन गोला आएगा और गोले के दो किनारे एरो होंगे, तो उन एरो की मदद से अपने गोले को इंक्रीज कर लेना, और आप इसको देख लेना यहाँ पे मेरे बगल में जस्ट ग्लोबल लगा हुआ है ना, तो इसके इस साइड ब्लास्ट वाला इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, तो देखो गोले की लाइट मेरी कुछ इस तरीके से जा रही है, तो आपको भी इस तरीके से ले जाना है। और फिर अगर ना इसके एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 4th वाले ऑप्शन में आना, और इसे थोड़ा सा 2 या फिर 4 इंक्रीज करके राइट कर देना। अब इतना काम हो जाने के बाद आपको वापस से पीछे आना, जहाँ पर कट लग रहा है वहीं से एक ब्लैक रंग का ओवरले ऐड कर लेना है,
और जहां से इसमें रेड रेड रंग का कुछ आ रहा हो ना तो वहीं तक रखना, बाकी आएगा पार्ट क्रॉप कर दूंगा और फिर स्लाइड करके जहां से कलर वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां तक ले आऊंगा। और फिर क्या करूंगा, इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन में आके ब्लेंड फोर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा जिसका नाम है फिल्टर। और फिर इसे करना अपने करेक्टर के जस्ट ऊपर अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो आप अपनी मर्जी से। और फिर उसके बाद करना, इसके एडजस्ट वाले ऑप्शन में आना, ब्राइटनेस को आप थोड़ा सा इंक्रीज करना, देन कॉन्ट्रास्ट को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, और सैचुरेशन को आपको ज़्यादा नहीं इंक्रीज करना है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम ही इंक्रीज किया, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पर एक्सपोजर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके शार्पन को पूरा ही कर देना। देन इतना कम हो जाने के बाद वापस से हम सैचुरेशन को थोड़ा सा और कम करके राइट कर दूंगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, नहीं करना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन थोड़ा कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपका। अब लास्ट में आना, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कलर करके डिलीट कर देना इसको। अब वापस से मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ और इस नीचे स्क्रॉल करके मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है तो दो लाइन आ जाएगी, तो अपनी दोनों उंगली की मदद से इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना और आपका रोटेट हो रहा है तो क्या करना है, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसे जीरो कर लेना फटाफट। और फिर थोड़ा सा और मैं इसे कम करता हूँ, अब कुछ ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और जब आपको फर्स्ट वाला लाइन है ना कुछ यहाँ पर आना चाहिए, जो सेकंड वाला लाइन है जहाँ पर आपका ये रेड रंग का खत्म हो रहा है ना वहाँ पर आना चाहिए, वहाँ पर आने के इतना कर लेना अच्छे तरीके से दोनों हाथों की मदद से। और फिर रोटेट हो रहा है तो जीरो कर लेना रोटेट को। और फिर क्या करना, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन में आना हो, इसे 15 कर लेके यहाँ पे राइट कर देना, देन आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी। अब इसमें मैं एक इफेक्ट लगाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं इसका एडजस्टमेंट करूंगा, क्वालिटी को इनहेंस करूंगा। तो क्या करूंगा, शुरुआत में आ जाना, अपनी वीडियो पे क्लिक करना, देन नीचे स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ब्राइटनेस को आपको कर लेना 15 इंक्रीज, और कॉन्ट्रास्ट को आपको कर लेना 15 इंक्रीज, और सैचुरेशन को थोड़ा सा ज्यादा 25 के आसपास रख लेना, और आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हो। और फिर एक्सपोजर को भी 10, और फिर शार्पन को पूरा हाई, हाईलाइट को 10, शेडो को -10, और फिर अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देना, देन सारे वीडियो पर ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा आगे आना, ओवरले में आकर अपना जो हमारा ग्रीन स्किन वाला करेक्टर है ना वो उसमें पहली से लाइटिंग ज्यादा थी और अपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया ना तो कुछ ज्यादा ही लाइट हो रहा है, तो उस वाले क्लिप पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करूंगा, एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके ब्राइटनेस पे दोबारा से टैप करूंगा तो ये वापस से कम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा एकदम मैचिंग सा हो रहा है। और आपको यहाँ पर किल वाला इफेक्ट भी लगाना है, मैंने नहीं लगाया था, मुझे लगाने की लगाना चाहिए बट आपको लगाना है तो अगर नहीं, सैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और आगे आना, जैसे ब्लास्ट होता है ना तो वहीं पर अपनी लाइन को लाकर ओवरले पर क्लिक करके ऐड ओवरले पर क्लिक करना और आपको मैं किल वाला इफेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इसे ऊपर एक साइड में लाकर थोड़ा सा छोटा कर देना और उसे एक शुरुआत में कीफ्रेम ही लगा देना, और फिर इसे थोड़ा सा आगे जाकर आपको क्या करना है, एक और कीफ्रेम ही लगाना है और इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, थोड़ा सा ज्यादा जूम करना, और फिर उसके बाद जस्ट इसके थोड़ा सा आगे जाकर एक और आपको की फ्रेमी लगानी है, देन वापिस से थोड़ा छोटा कर देना है, और फिर थोड़ा सा और आगे आकर एक अल्ट मारना, जो भी आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट कर देना। किल वाला पीएनजी हमने लगाया तो यहाँ पर किल वाला साउंड भी लगाना पड़ेगा, तो एरो पे क्लिक करके नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपको किल वाला यहाँ पर साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, इसे यहाँ पर ऐड कर लेना और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसे किल वाला यहाँ पर आता है वैसे साउंड भी आना चाहिए। तो इतना हो जाने के बाद वापस से पीछे आना, जहाँ पर हमारा सबसे पहला कार्ड लग रखा है वहाँ पर हम एक इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो एरो पे क्लिक करके नीचे इफेक्ट पे क्लिक करना और ये बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट नहीं है ये, बॉडी इफेक्ट है। आपको ट्रेंडिंग के आगे एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पर आ जाना और आपको ढूंढ लेना है लुमिनर मार्कर वाला एक इफेक्ट ढूंढ लेना है, उस पर क्लिक करके इसे लगा लेना है, देन इसे एकदम एंड तक फैला देना और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें ग्रीन वाला यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करके राइट कर देना, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपका आ जाएगा। अब लास्ट में मैं सुकुना वाला क्लिप को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है साउंड वाउंड आ रहा है उन सबको कट करके डिलीट कर दूंगा, फिर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और फिर थोड़ा से जूम कर लूंगा, और जूम करने के बाद क्या करना है, नीचे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एक जूम वन नाम का एक एनिमेशन मिल जाएगा, उसे लगा लेना और राइट कर देना। और फिर वीडियो के शुरुआत में आ जाना, नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और मैं आपको जो सॉन्ग प्रोवाइड कराऊंगा उसका यहाँ पे नाम फाइल वाले ऑप्शन में आके उसका नाम यहाँ पे सर्च कर लेना, देन टॉप पे आपका यहाँ पे सॉन्ग आ जाएगा, उस पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सॉन्ग को लगा लेना, देन आपकी वीडियो बन के कम्प्लीट हो जाएगी। और आप में से काफी सारे बंदे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मैंने इस वीडियो में मटेरियल यूज किया है वो सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो जरूर से कर लेना, जो भी आप एडिटिंग करोगे वहाँ पे जाके अपलोड करना इंस्टाग्राम पे और मुझे टैग जरूर से कर देना। बाय।